इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो कि पहले रसल चौक हुआ करता था, अब महर्षि दयानंद चौक नाम रखा गया है, जिसमें आज महर्षि की 158वीं जयंती मनाई गई, जिसमें कि विश्व हिंदू सेवा परिषद के मुख्य आचार्य धीरज जी महाराज, जिसने इस जगह का नाम रिसीव किया गया, आर्य समाज के धीरेन्द्र उपस्थित हैं। द्वारा आज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 158वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर रसल चौक, जिसका नाम पहले से महर्षि दयानंद सरस्वती चौक रखा गया है, परंतु प्रचलित में नहीं है, इसलिए आज इस जयंती के अवसर पर हिंदू सेवा परिषद ने ये मुहिम चालू की है कि इस पूरे चौक को महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से प्रचलित किया जाए और साथ ही अब इस रसल चौक का नाम पूरी तरह से हटाकर महर्षि दयानंद चौक बनाया जाए। हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में आर्य समाज, जिसकी स्थापना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, तो आर्य समाज से हमारे बीच आचार्य धीरेन्द्र जी महाराज उपस्थित हैं, एवं साथ में नजीबाबाद बिजनौर से प्रियमदा दीदी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना मार्गदर्शन रखकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए हमें मार्गदर्शन दिया। मंडला जिले के टाटरी थाना अंतर्गत टोल प्लाजा में धोखाधड़ी के प्रकरण में 5 वर्ष की सजा फिर न्यायालय से भगौड़ा घोषित होने के बाद गिरफ्तार होकर पूरे 1 माह जेल में बिताने वाला सामाजिक संगठन का स्वयंभू अध्यक्ष अमित कंपरिया फिर एक बार चिटलर घोषित हो गया। दरअसल हाल ही में हाईकोर्ट से जमानत पर छूटे कंपरिया ने टोल प्लाजा में पार्टनर बनाने के नाम पर नेपियर टाउन निवासी बिल्डर सचिन गुप्ता के 48 लाख रुपए डकार किया। NHAI में टोल नाके के पार्टनर थे सचिन गुप्ता, उनके साथ 48 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है और वरिष्ठ कार्यालय से आवेदन जांच होकर आया था। अपराध पंजीबद्ध होने के पर्याप्त आधार पाए जाने से कल मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की गई। जबलपुर में आम भारतीय संगठन विस्तार के लिए महाकौशल में तीसरी शक्ति के रूप में जन जन की लड़ाई लड़ेगी। आम भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिलावट जी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, ये सोच रखने वाले आम भारतीय पार्टी का उधर हो चुके हैं और हम होने वाले चुनाव में युवाओं को मौका देकर सप्ताह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जबलपुर के अंदर एक हमने टोली बैठक का हमारा आयोजन किया है और आप सभी जबलपुर के पत्रकार भाइयों, मीडिया भाइयों से हमको एक अपना परिचय करना था, हमारे संगठन का परिचय कराना था, इसलिए आपसे हम परिचय करने के उद्देश्य से आप सब भाइयों से मिलने का हमने यह कार्यक्रम रखा है कि आप लोगों से परिचय प्राप्त हो, आप हमारे संगठन को, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को, उनकी जो जनहित की जो आवाज़ है, जनहित के मुद्दे हैं, तो आप उसको मीडिया के माध्यम से पेपर में प्रकाशन करें, जिससे कि जन समस्या का निवारण हो और आम आदमी पार्टी जबलपुर के अंदर मजबूत हो। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के निजी स्कूल पर मनमानी का आरोप अभिभावकों ने लगाया है। क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल पर आरोप कि 1 से 5वीं तक की छात्राओं को नहीं लगी वैक्सीन, बिना वैक्सीन लगे बच्चों से ली जा रही ऑफलाइन परीक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई के बाद ली जा रही ऑफलाइन परीक्षा, अभिभावकों की नहीं सुन रहा स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से बात करने को तैयार नहीं है। अभिभावकों ने की मांग, ऑनलाइन पढ़ाई के बाद ली जाए ऑफलाइन परीक्षा। जबलपुर के निजी क्राइस्ट चर्च स्कूल का ये मामला है। आज क्राइस्ट चर्च स्कूल की प्रिंसिपल से हम लोग मिलने आए हैं, पूरा ग्रुप बना के 5th to 1st class तक की पूरा ग्रुप फैमिली इकट्ठा होकर आया है। विगत 2 सालों से कोरोना की महामारी से अनेकों जान गई, तीसरे साल WHO ने अपन को हिदायत दी कि बच्चों को सेफ रखिए, क्योंकि ये जो महामारी आ रही है वो बच्चों को लेके है। ऐसे माहौल में क्राइस्ट चर्च स्कूल बोल रहा है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लेंगे। जब आपने ऑनलाइन पूरे साल पढ़ाया है तो बच्चा ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर कैसे हो सकता है? तो और महामारी को देखते हुए भी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। बच्चों को लेके उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा, इसके कारण हम ऑनलाइन पसंद कर रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन लगा होता तो हम उसमें भी प्रिपेयर होते कि आप स्कूल में ऑफलाइन ले सकते हैं एग्ज़ाम। पूरे जितने 1st to KG1 से लेके 5th class तक के बच्चे, 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा। अगर वो लग जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं ऑनलाइन देने।
जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं भारतीय रेल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अभिलाष पांडे जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के महान चिंतक वालों के बाद एक सती प्रथा के विरोध में अहम भूमिका निभाने वाले समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती के उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मरुधर थाने के सामने ITI चुंगी नाका राजावली में जय घर के सामने किया जा रहा है। पूरे जबलपुर शहर में 51 स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी जबलपुर ITI माड़ोताल थाने के सामने राजा बड्डा की गली में कल रविवार दिनांक 27 फरवरी को एक स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जनरल फिजिशियंस, स्त्री रोग विशेषज्ञ और नेत्र चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा के सारे विशेषज्ञ रहेंगे। हम यहाँ क्षेत्रवासियों से ये अपील भी करते हैं कि इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। आगे चल के हमारा जो ये मित्र मंडल है पूरे जबलपुर में ये स्वास्थ्य शिविर करेगा। अभी हमने पिछले हफ्ते रामपुर मांडवा बस्ती में ऐसे इस प्रकार के कैंप आयोजित किए थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पा रहे थे अपने जीवन में, उनको हम आगे चलकर अपनी स्वास्थ्य लाभ दिलाने का काम करेंगे। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है डॉक्टर अभिलाष पांडे जी द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय रेल बोर्ड के सदस्य आदरणीय अभिलाष पांडे जी द्वारा शहर में 51 ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें सभी गरीबों को निःशुल्क दवा और उनका चेकअप का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह ITI माड़ोताल चुंगी नाका पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 27 फरवरी दिन रविवार को होना है, प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें ITI माड़ोताल के सभी मध्यम वर्ग के लोगों को यह सुविधा प्राप्त कराई जाएगी और इसमें सभी वर्ग के लोग आकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे। ऐसे ही अनेक कार्यक्रम जबलपुर में अभिलाष पांडे मित्र मंडली द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जगह जगह पर छोटी बस्तियों में, बड़ी बस्तियों में, जहाँ छोटे वर्ग के लोग रहते हैं जो इस स्वास्थ्य शिविर से वंचित रह जाते हैं, उन पर अभिलाष पांडे जी द्वारा यह कार्यक्रम लगातार 51 कार्यक्रम ऐसे किए जाएंगे। जबलपुर लाइव में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।